इन सबको बोलते हैं हम बाय बाय। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त और रट्टे कट्टे होंगे। टाइम हो चुका सुबह का 9 बजे और इस समय मैं कर रहा हूँ ब्रश, और हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, मैं आया था अपने ससुराल में और आज हम यहाँ से जाएंगे वापस, और यहाँ पर बूंदाबांदी जो है हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे नाश्ता, नहाएंगे उसके बाद करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे अपने घर। आप हमारे साथ बने रहिए, और अभी जो है ना घर का थोड़ा सा व्यू है जो आपको वो हमारी वाइफ दिखाएगी, वो आप देखिए व्यू। मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं अपने घर आई हूँ और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये रहा हमारा घर, छोटा सा हमारा घर है, और ये हमारा घर है। इसमें ना कोई दो गाड़ियाँ भी है, और मेरा भाई है जो सामने आग सेक रहा है, और ये देखो हमारा घर। और एक शख्स, ये रहा मेरा भाई जो ब्रश कर रहा है अभी। ये रहे विक्की भरतवा जो अभी तक ब्रश कर रहे हैं। ये हमारे पशु हैं जो अभी सुबह सुबह चारा खा रहे हैं। देखो ये अभी खा रहे हैं, देखो दोनों। और ये हमारी चारा मशीन है जिस पे हम घास काटते हैं। देखो ये मेरी बड़ी मम्मी जो अभी खाना बना रही हैं। देखो बड़ी मम्मी, हेलो बोलो। हेलो। मैं अपने किचन की तरफ जा रही हूँ, यहाँ पे मेरी मम्मी जो अभी आलू के परांठे बना रहे हैं। देखो ये देखो मेरी मम्मी, हेलो बोलो। हेलो। ये मेरा भैया जो अभी तक सोया हुआ है, देखो इसको कोई पता नहीं काम धंधा करना है कि नहीं। देखो बस सुबह सुबह फोन पे और कुछ नहीं, फोन पे लगा रहता है ये। देखो भैया जो अभी ब्रश कर रहा है, देखो देख देख, ये सबसे छोटा है हमारे घर से, जो अभी बहुत शर्मा रही है। इसने ना छोड़ लिया हुआ है फेस पे, देखो ये सामने नहीं आती। रात को भी ऐसे ही कर रही थी, पहले भी लोग में आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही कर रही थी, शर्माती है ये। पर इंस्टा पे ना सबसे आगे आई है वीडियो बनाने में। लो ये टाइम हो चुका 9:30 का, और हमारे पास आ गया नाश्ता। नाश्ते में हमारे पास आलू का पराठा, मटर पनीर और दही और चीनी। चीनी किसमें? इसमें मिलाने के लिए दही में, ताकि थोड़ा मीठा मीठा लगे, क्योंकि खट्टा खट्टा लग रहा थोड़ा सा। लो इस सुबह का नाश्ता हम कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, और गर्मा गर्म चाय भी आई है। ये खाना जो जो खाना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है उसका जी। लो जी मस्त खाना खाओ। अभी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तभी मैं पहले ना अच्छे से पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद हम मिलते हैं आपको। इन सबको बोलते हैं हम बाय बाय और चलते हैं हम अपने घर में। बोलो जी सारे बाय बाय। बाय बाय। हम ना अभी अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए रास्ते में ना एक ना अंग्रेजों के टाइम के जो बनाए हुए पुल है ना वो आज भी हैं। इससे एक सबक तो ये मिलता है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट के बनाए हुए पुल है ना वो 10 साल या 15 साल चले या ना चले, लेकिन ये अंग्रेजों के टाइम के जो पुल बने हुए हैं ना वो आज भी चल रहे हैं। देखिए अंग्रेज गए हमारे देश में से 75-76 साल हो गए हैं, उससे पहले उन्होंने कब इसकी फाउंडेशन रखी होगी, और तब से बने हुए पुल आज भी चल रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों से फर्स्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था, हम आपको पंजाब की खूबसूरती भी दिखाएंगे, और जो मेरे ससुराल के रास्ते में ना ये एक बहुत ही अच्छा व्यू था, हमने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करें। और दोस्तों जैसा कि ठंड बहुत लग रही थी, मैंने कैप पहन ली है, ये मैंने हुड के साथ वाली पहन ली है, मैडम ने तो अलग से पहनी है, मेरे को ठंड में आ गया, मेरा तो एकदम से कुकड़ बन रहा था, मैंने सोचा कि यार एक कैप पहन लो, तो मैंने कैप पहन लिया, और अभी आप व्यू इंजॉय कीजिए। ये हमारे पंजाब की ना खूबसूरती है, जैसा कि हमने आप लोगों से ना पहले व्लॉग में प्रॉमिस किया कि आपको खूबसूरती दिखाएंगे पंजाब।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये व्लॉग का डे टू। कल हम ससुराल से आने के बाद व्लॉग शूट नहीं कर पाए, वो इसलिए नहीं शूट कर पाए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जो है सर्दी थी, सर्दी के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा क्या बारिश ज़्यादा थी, इसलिए नहीं कर पाए। अगर सर्दी होती अकेली तो फिर तो हम शूट कर लेते, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, जगह जगह के कीचड़ हो चुका था, मड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए हम बाहर के व्लॉग शूट नहीं कर पाए। इस वक्त टाइम हो चुका है जी सुबह के 9:15 का, और आज जो है आज हम बहुत सारी शॉपिंग करने जाएंगे अपने घर के लिए। आज आप वो अगले व्लॉग में देखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। आज का मौसम जो है ना, मौसम तो आज भी बहुत ज़्यादा धुंधला, सुबह का मौसम है, सुबह के मौसम में आप देखिए पक्षी कैसे चहचहा रहे हैं। पक्षी जो है ना, पक्षियों की जो वॉयस है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो सुबह सुबह जो पक्षी जब ना, ये मेरे को सुकून बड़ा देते हैं। इसलिए आप भी कभी कभी ना, जो लोग लेट उठते हैं वो सुबह उठिए, बाहर बैठिए, बाहर अपने बरामदे में बैठिए, चाहे अपने जो घर में ग्राउंड है या छत है वहाँ चढ़िए, वहाँ चढ़कर आप ये पक्षियों की चहचहाहट है ना जो, इसको सुनिए। इसमें आपका एक मेडिटेशन की तरह हो जाता है, आपको बहुत सुकून मिलता है। आप भी ना सुबह सुबह ना मेडिटेशन ज़रूर कीजिए करिए। चाहे मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको बाबा रामदेव की तरह लेट के उठ के करनी है, मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है। तार में बैठा एक पक्षी है, उसको देखते रहिए, उसको देखते देखते सुकून मिलता रहेगा ना, ये भी एक मेडिटेशन है। तो दोस्तों ये था, इसलिए हम जो है कल शूट नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों को बताना तो बहुत ज़रूरी था। अभी जो है ना सर्दी बहुत है, सर्दी देखिए मैंने इसलिए टोपी पहन रखी है। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, अभी हम नहाएंगे, नहाने के बाद अपना काम करेंगे, काम करने के बाद शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग का व्लॉग है ना जो आपको कल मिल जाएगा। आप इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है ना उसको मंदिर के घंटे की तरह खड़का के जरूर जाइएगा, ऑल पे करके जरूर जाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ठोक दीजिए, पूरा एकदम फुल कर दीजिए। तो आज का व्लॉग देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।